नितिन गडकरी, बड़ा चेहरा, नागपुर से, आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा इस वक्त आगे, और मैं चाहूंगी कैमरे को आप लोग फेस करें। बड़ी खबर पूर्णिमा, हरियाणा से बड़ी खबर है। एनडीए का खाता खुल चुका है। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हैं और इस बार अभी मुकाबले में एनडीए का खाता हरियाणा में खुल चुका है, तो ये एक बड़ी खबर है क्योंकि बड़ा दिलचस्प मुकाबला इस बार माना जा रहा था हरियाणा के अंदर, और अभी वहां पर बीजेपी का खाता खुल चुका है। और देखिए गाजियाबाद से इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है, गाजियाबाद से बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। अपडेट क्या है? हैदराबाद से बीजेपी की माधवी लता पीछे चल रही है। माधवी लता पीछे चल रही है। माधवी लता, आपको याद होगा कि माधवी लता ने आज सुबह ही सुबह ये प्रतिक्रिया दी कि 400 पार कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ माधवी लता, नौशाद आपके कैमरे की जरूरत है, मुझे जल्दी से दिखाइएगा, जल्दी से मुझे आपका कैमरा दिखाइएगा। नागपुर से एक अपडेट है, नितिन गडकरी आगे चल रहे हैं नागपुर से। नितिन गडकरी का जो मुकाबला है वो पहले से माना जा रहा था कि वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, और रुझान सामने आते हैं नितिन गडकरी इस वक्त अपनी सीट पर आगे हैं। और गाजियाबाद से बीजेपी के अतुल गर्ग, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, इसी तरीके से माहौल देखिए सेट हो रखा है। और कौन कौन रायबरेली से? राहुल गांधी आगे हैं। राहुल गांधी रायबरेली से आगे चल रहे हैं, सेफ सीट, अपनी मदर की लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए सेफ सीट राहुल गांधी के लिए मानी जा रही थी। इंतजार मैदान को लेकर करना होगा पूजा, रायबरेली से आगे राहुल गांधी। और हनुमान बेनीवाल इस वक्त आगे हैं। देखिए हनुमान बेनीवाल की जो सीट थी वो बहुत ही दिलचस्प है, और हनुमान बेनीवाल ने अभी भी रुझानों में बढ़त बनाई हुई है। पूर्णिमा, दुर्ग से विजय बघेल के इस वक्त आगे चलने की खबर है। दुर्ग से विजय बघेल इस वक्त आगे चल रहे हैं, मेरी दो बहुत शानदार एंकर, उनके पास जाने से पहले इधर क्योंकि घंटी बज रही है और कन्नौज से चुका है। क्या है खबर? हाँ। मुंबई नॉर्थ से पीयूष गोयल, पीयूष गोयल मुंबई नॉर्थ से। नागौर से हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल नागौर से। गाजियाबाद से अतुल गर्ग आगे चल रहे हैं। रायबरेली से राहुल गांधी, और रायबरेली से राहुल गांधी आगे। भरतपुर से इस वक्त कांग्रेस आगे, तेजस्वी सूर्य इस वक्त आगे चल रहे हैं, पीयूष गोयल। नागौर से हनुमान बेनीवाल इस वक्त आगे चल रहे हैं। और देखिए मनोज तिवारी बदलते रुझान, उत्तर पूर्वी दिल्ली की बात करते हैं, उत्तर पूर्वी दिल्ली में मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार में मनोज तिवारी इस वक्त आगे हैं। रायबरेली से राहुल गांधी इस वक्त लगातार आगे बने हुए हैं। कन्नौज की बात करें तो वहां पर भी जल्दी रुझान आने वाले हैं। पूर्णिमा, आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा इस वक्त, कन्नौज से अखिलेश यादव आगे, कन्नौज से अखिलेश यादव इस वक्त आगे चल रहे हैं। बीजेपी के सुब्रत पाठक दूसरे नंबर पर, मंडी से कंगना रनौत के पीछे चलने की बात महिमा बताएंगी। महिमा, आप तो गई थी कवर करने के लिए, कंगना रनौत अभी पीछे चल रही हैं। बिल्कुल, देखिए अभी मुझे लगता है कि जो फिलहाल काउंटिंग हो रही है वो इस वाली साइड से होगी, रामपुर बुशहर वाली साइड से। दैट्स व्हाई वहाँ से हमेशा हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हमेशा आगे होते, क्योंकि उनका गढ़ बो रहा है, प्रतिभा सिंह का गढ़ रहा है, वीरभद्र सिंह का। जी ठीक है, इसीलिए अभी पीछे नजर आ रही, इसीलिए अभी इस वक्त पीछे चल रही है। एक बड़ा अपडेट, पूर्णिमा, एक बड़ा अपडेट ये है कि दिल्ली की सातों लोकसभा सीटों पर इस वक्त बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। पिछली बार भी बीजेपी के पास 7 के 7 सीटें थी। अच्छा, अभी भी 7 के 7 सीटों पर बीजेपी की बढ़त। वाराणसी से नरेंद्र मोदी इस वक्त आगे चल रहे हैं, ये बड़ी खबर क्योंकि इस बार मार्जिनल डिफरेंस को बीजेपी वाराणसी से बड़ा करने की तैयारी में है, और नरेंद्र मोदी इस वक्त आगे चल रहे हैं। क्या है? गांधीनगर से अमित शाह भी आगे चल रहे, गांधीनगर से अमित शाह आगे चल रहे। गुजरात तो वैसे भी प्यार लुटाता है। बिल्कुल, गुजरात प्यार लुटाता है, और इस बार भी बीजेपी और राहुल गांधी को लेकर अपडेट जल्दी से। पर क्या बता रहे हैं परवेश जी? दिल्ली की सातों सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, सातों सीट। पिछली बार जो बीजेपी ने क्लीन स्वीप की थी, इस बार भी आगे चलते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट था, 6 के 6 कैंडिडेट बदल दिए गए थे। ये बीजेपी की एक अच्छी स्ट्रेटेजी थी कि कैंडिडेट बदल दिए गए, ताकि कहीं जो किसी तरीके का जो जनता के बीच जो एक गुस्सा दिख रहा था वो सब कुछ खत्म कर दिया उन्होंने। कन्नौज, घोसी, रायबरेली ही वो सीटें हैं जहां से अलायंस इस वक्त आगे चलता हुआ नजर आ रहा है। गांधीनगर से बड़ी खबर इस वक्त आपको बताते हुए, गांधीनगर से अमित शाह इस वक्त आगे चल रहे हैं। मैनपुरी से डिंपल यादव, कैमरे की तरफ, इधर, इस तरफ जल्दी से चेहरा करेंगे अपना, बताइए कौन आगे? देखिए सातों सीट पर बीजेपी आगे, सातों सीट पर, ये परेश जी ने बताया, जल्दी से और बताइए कौन आगे? चौक से प्रवीण खंडेलवाल आगे चल रहे हैं, और ये मनोज तिवारी आगे चल रहे हैं। लेकिन अगर कालका की बात करते हैं, वहाँ पर पवन सिंह जो कि आसनसोल छोड़ के पहुँच गए, वहाँ पर उनकी एंट्री ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया था। पवन सिंह इस वक्त बड़ा बना हुआ, और क्या अपडेट इस वक्त है, क्या अपडेट है अखिलेश यादव को लेकर, क्या अपडेट है अखिलेश परिवेशी के पास, परिवेशी क्या अखिलेश यादव को? देखिए अखिलेश यादव बढ़त बनाए हुए हैं, और लगातार जिस तरीके से यूपी में दिख रहा है, अरे कि यूपी में अभी पूजा, तक जो रुझान दिख रहा है, जल्दी से सारण की खबर है। जी सारण से खबर है, लालू प्रसाद यादव की बेटी को लेकर कि वो पीछे चल।
चल रही है, जल्दी से अपडेट दे क्या है। सारण से रोहिणी आचार्य पीछे, रोहिणी आचार्य पीछे, सारण से रोहिणी आचार्य, वायनाड से राहुल गांधी आगे, राहुल गांधी आगे इस वक्त वायनाड से चलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए बदलते हुए ये पोस्टल बैलेट की काउंटिंग, जैसे जैसे काउंटिंग होती जाएगी रुझान और तरफ बदलते हुए नजर आ रहे हैं। आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव इस वक्त आगे बने हुए, तो ये बड़ा अपडेट है। देखिए इस वक्त और वायनाड से राहुल गांधी इस वक्त लगातार आगे बने हुए हैं। क्या 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 क्या, सारण से लालू यादव की बेटी पीछे चल रही है, जो एक बड़ा बदलाव था, जिनको कहा जा रहा था कि सिंपैथी लेंगी वो, क्योंकि अपने पिता को उन्होंने किडनी डोनर किया था। जल्दी से अमित बता रहे हैं, लेकिन वहाँ वो पीछे चल रही है, रुझान में चल रहा है। लालू की दोनों बेटियां पीछे इस वक्त चल रही है, लेकिन राजा आगे है और दूसरी बेटी उनकी आगे है। माना जाता है कि लालू की रणनीति कुछ कर पाएगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ अभी तक। जल्दी से देखिए सारण से रोहिणी आचार्य इस वक्त पीछे चल रही है, भरतपुर से कांग्रेस इस वक्त आगे, और इसके साथ ही राहुल गांधी आगे चलते हुए रायबरेली से नजर, वायनाड से भी राहुल गांधी इस वक्त आगे हैं। दोनों ही सीट पर राहुल गांधी इस वक्त आगे चल रहे हैं, फिर चाहे वो रायबरेली की सीट हो या फिर वायनाड की सीट हो। बताइए क्या खबर है। संबलपुर से धर्मेंद्र प्रधान आगे चल, धर्मेंद्र प्रधान संबलपुर से इस वक्त आगे चल रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान संबलपुर से आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। के इधर आपके पास कोई जानकारी, झालावाड़ से दुष्यंत, कोटा से ओम बिरला आगे चल रहे हैं, कोटा से ओम बिरला, गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया इस वक्त आगे चल रहे हैं, गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया इस वक्त आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं, संबलपुर से धर्मेंद्र प्रधान आगे हैं, ओम बिरला इस वक्त आगे, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव। पूजा आपके पास क्या बड़ी बात है कि वायनाड रायबरेली दोनों से राहुल गांधी इस वक्त आगे चल रहा है, वायनाड रायबरेली दोनों से राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा, और क्योंकि कांग्रेस का गढ़ बचाने की चुनौती इस बार उनके सामने है, तो अभी लगातार आगे बने हुए राहुल गांधी वायनाड से भी और रायबरेली से भी। कन्नौज में बात करते हैं तो वहां पर लगातार समाजवादी पार्टी बढ़त बनाए हुए हैं। पूर्णिमा मेरठ से अरुण गोविल को लेकर खबर क्या है। अरुण गोविल पीछे हो गए हैं। देखिए 8 सीटों के अभी जो शुरुआती रुझान सामने आया, 157 सीटों पर रुझान, जिसमें एनडीए को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, 120 सीटों पर एनडीए, 36 पर अलायंस इस वक्त, और नागपुर से नितिन गडकरी आगे चल रहे हैं, इंडी गठबंधन के उम्मीदवार 3 सीटों पर इस वक्त आगे चल रहे हैं। ये बेहद कड़ा मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच इस वक्त नजर आ रहा है, और इस गठबंधन के बीच में आगे चलते हुए इस वक्त दोनों ही पार्टी के कड़ा मुकाबला, कड़ी टक्कर इस वक्त देखने को मिल रही है। पूजा आपके पास क्या खबर है। जल्दी अगर अभी बात करते हैं तो हम लगातार ये देख रहे हैं कि हरियाणा की अगर बात करते हैं तो बीजेपी वहां पर बढ़त बनाए हुए, हालांकि क्योंकि देखिए रोहतक की बात करते हैं वहां पर माना जाता है कि मुकाबला बड़ा दिलचस्प होगा, तो यहां अगर यूपी की बात करते हैं तो यूपी में इमरान मसूद अभी तक आगे चल रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो देखिए लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं डिंपल यादव लगातार आगे बने, अखिलेश यादव खुद अपनी सीट पर आगे बने, धर्मेंद्र यादव अपनी सीट पर आगे बने हुए हैं, मतलब ये कह सकते हैं जी। पूजा राजनाथ सिंह, अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी, इसके साथ साथ बड़े बड़े जो चेहरे हैं बीजेपी के, वो इस वक्त आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। परवेश जी बीजेपी के फेसेस हैं, वो सब कोई आगे चल रहे हैं, और एक और राजनांदगांव में हुई है, राजनांदगांव से भूपेश बघेल पीछे हो गए, भूपेश बघेल राजनांदगांव से, राजनांदगांव भूपेश बघेल का गढ़ है, और वहां पर इस वक्त वो पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं। यहां से जल्दी बताइए एक एक अपडेट है पूर्णिमा। राजबब्बर इस वक्त गुरुग्राम से पीछे चल रहे हैं। पूजा बिल्कुल तिरुवनंतपुरम की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर शशि थरूर अभी आगे चल रहे हैं। शशि थरूर देखिए जाहिर तौर पर उनका अच्छा खासा मजबूत माना जाता है, तो अभी फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं। और बड़ी बात यह जैसे अभी पूर्णिमा ने जिक्र किया कि अगर बात करते गुरुग्राम की, राजबब्बर अभी पीछे चल रहे हैं, रामदर्जीत वैसे चुनावी मुकाबला लगातार जीतते रहे, अभी राजबब्बर मुझे वापस इधर आना होगा। क्या खबर से उपेंद्र कुशवाहा, स्मृति ईरानी का क्या अपडेट, आगे चल रही है, आगे चल रहे हैं। मेरठ से अरुण गोविल इस वक्त आगे चल रहे हैं, और कौन कौन आगे है जल्दी से बताएं। 100 सीटों पर जान आ चुके हैं, और एनडीए 64 सीटों पर आगे चल रही है, एनडीए इस वक्त चल रही है 125 सीटों पर, अपडेट के साथ 125 सीटों पर एनडीए लीड करती हुई, भीलवाड़ा से सीपी जोशी इस वक्त आगे चल रहे हैं, वाराणसी से नरेंद्र मोदी इस वक्त आगे चल रहे हैं, बारा झालावाड़ से दुष्यंत सिंह आगे चल रहे हैं, रायबरेली वायनाड सीट से राहुल गांधी इस वक्त आगे चल रहे हैं, दोनों ही सीटों पर। रंजना आपके पास क्या अपडेट है। देखिए शुरुआती रुझान में कांग्रेस की शशि थरूर जो कि पीछे चल रही है, और एनडीए का जो आंकड़ा है वो 50 के पार, और यहां पर जो फिलहाल समर्थन मिल रहा है वो एनडीए को मिलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है आप लोग अपनी जल्दी से कुर्सी छोड़िए, क्योंकि कुर्सी के साथ आपकी माइक के साथ जरूरत न्यूज रूम में पड़ेगी। स्मृति ईरानी आगे चल रही है, स्मृति ईरानी इस वक्त आगे चलती हुई नजर आ रही है। पूजा जल्दी से आपके पास से बड़ा इंटरेस्टिंग अभी रुझान, सुप्रिया सूले आगे चल रही है, अजीत पवार की पत्नी को पीछे करते हुए रुझानों में
बनी है क्योंकि वहाँ पर साख की बात भी थी रुझान में। सुप्रिया सुले आगे पूर्णिमा, सुप्रिया सुले, सुप्रिया सुले, सुप्रिया सुले के साथ सुनेत्रा, सुनेत्रा पवार चुनावी मैदान में थी। आजमगढ़ से निरहुआ, निरहुआ, निरहुआ इस वक्त आजमगढ़ से आगे चल रहे हैं। बारामती से सुप्रिया सुले इस वक्त आगे चल रही हैं। आपके पास आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा आगे, शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल से आगे चल रहे हैं। पीएम मोदी वाराणसी से आगे चल रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। और बाकी मेरी टीम जल्दी से मुझे अपडेट देगी, उनके पास मैं आऊंगी।